अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है आज की वीडियो जो है वो एक लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के ऊपर है, डेरिवेटिव के हिसाब से। कि जैसे मतलब मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करें हमारा शो दैट द फंक्शन जेड इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स साइन ऑफ वाई प्लस ई रेस पावर वाई कॉज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द लैपलास इक्वेशन इक्वेशन। और लैपलास इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखें कि हमने सॉल्यूशन में पहली बातें लिख देनी है कि हमारे पास जो गिवन है वो लैपलास इक्वेशन है जिसको हमने सेटिस्फाई करना है, और जो गिवन है इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ है वो हमारे पास ये फंक्शन है z इज इक्वल टू ई रेज पावर साइन ऑफ y प्लस ई रेज पावर y कॉज ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इस z को जो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज पावर x साइन ऑफ y प्लस e रेज पावर y कॉज ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि e रेज पावर इसका अंदर साइन y जो है वो कांस्टेंट है, और e रेज पावर x जो है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो वही आ जाएगा, और साइन ऑफ y प्लस इसी तरीके से e रेज पावर y हमारे पास कांस्टेंट है और कॉज ऑफ x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, सो e रेज पावर y इंटू माइनस साइन x, आपके पास ये चीज़ आ गई। आगे यहाँ से आ जाता है कि e रेज पावर x, और फिर यहाँ से आगे हमने उसका यानी साइन जो है उसको चेंज करेंगे, बस साइन ऑफ y माइनस e रेज पावर y साइन ऑफ x, ये आ गया पार्शियल z बाय पार्शियल x। अब हमने कहा कि अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट में आप नोट करें कि पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई माइनस ई रेज पावर वाई साइन ऑफ एक्स। और यहाँ पे ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई माइनस ई रेज पावर वाई और कॉज ऑफ एक्स, इसकी डेरिवेटिव जो है ई रेज पावर एक्स का तो आ गया, और यहाँ पे साइन एक्स का जो है वो कॉज ऑफ एक्स आ गया, पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, आपके पास ये नंबर ए चीज़ आ गई। अब इसी तरीके से z को हमने अगेन कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो z आपके पास आ जाता है e रेज पावर x साइन ऑफ y प्लस e रेज पावर y कॉज ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमने यहाँ से अच्छा तो यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। अब हमने क्योंकि देखें हम जो है इसका पार्शियल स्केयर z ओवर पार्शियल x स्केयर पूरा कर चुके हैं, अब हम पार्शियल स्केयर z ओवर पार्शियल y स्केयर को करेंगे, सो पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y इंटू ई रेज पावर x साइन ऑफ y प्लस ई रेज पावर y कॉज ऑफ x। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ई रेज पावर x साइन ऑफ y का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ x प्लस ई रेज पावर y का एज इट इज़ और कॉज ऑफ x, ये आपके पास पार्शियल z बाय पार्शियल y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम इसके साथ ये करेंगे कि इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल y पार्शियल z ऑफ पार्शियल y ऑफ, आप इसको मतलब इस तरह से भी चलें लिख सकते हैं, कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ, जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन था वो ये है,
पार्शल जेड बाय पार्शल वाई का, ई रेज पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज पावर वाई, कॉस ऑफ वाई है यहाँ पे, कोसाइन ऑफ वाई को जो है कॉस ऑफ वाई आया जी, ई रेज पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर वाई साइन ऑफ एक्स जी। मैं ज़रा एक दफ़ा इसको दोबारा से मैच कर लूँ कि मैंने बिल्कुल सही वैल्यूज़ लिखी हैं। तो यहाँ पे आपके पास जी कॉस एक्स है, कॉस ऑफ एक्स है, अच्छा। अब यहाँ से देखिएगा, पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ई रेज पावर एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, ठीक है, कॉज ऑफ वाई का, और प्लस ई रेज पावर वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, और कॉज ऑफ एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट है उस तरह ही आ गया। तो ये पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स, ई रेज पावर वाई कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी, ठीक। ए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये चीज़ देखिएगा, ये ए इक्वेशन आ गई। मैंने इसको और इसको ऐड करना है, तो ये इसकी लेफ्ट वाली साइड पहले मैंने ऐड की, पार्शियल स्केयर जेड ओवर एक्स स्केयर प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बाय एडिंग बाय इक्वेशन नंबर वन प्लस बी, ए और बी को ऐड किया, प्लस पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर, मैंने इसकी लेफ्ट वाली चीज़ें जो हैं उसको ऐड कर लिया है। ये देखें आप, ए जो है उसकी पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, अब मैं इसका ये राइट का एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई माइनस ई रेज पावर एक्स वाई कॉज ऑफ एक्स, इसको मैंने ब्रैकेट लगाई प्लस करके, अब जो पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर का एक्सप्रेशन है उसको मैं लिख रही हूँ, वो है माइनस ई रेज पावर एक्स कॉज साइन ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर वाई कॉज ऑफ एक्स। अच्छा, अब मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई माइनस ई रेज पावर वाई कॉज ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई प्लस ई रेज पावर वाई कॉज ऑफ एक्स। तो ये एक्सप्रेशन और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और इसका आंसर आ गया इक्वल टू ज़ीरो, पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर, सो जेड इज़ इक्वल टू, जो भी फंक्शन था वो जेड आप सिंपल लीजिए, जो भी वो फंक्शन था सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन। थैंक यू।